अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन कुछ लोगों को ये खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। गले में दर्द होता है, टॉन्सिल हो जाता है, चेस्ट में बहुत सारा कफ इकट्ठा हो जाता है। मैं आज आपके साथ एक घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जो कि हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है और ये 100% कारगर है। एक बार आप बस इसको ले लेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा, गले का दर्द बिल्कुल चला जाएगा और आपका जो कफ है जो बहुत टाइम से जमा हुआ है वो भी आपको उससे आराम मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। होम रेमेडी बनाने से पहले मैं आपको कुछ सामग्री दिखा देती हूँ। तो अदरक हमने ली है 2 इंच के करीब, इसी के साथ हमने लौंग ली है, वो भी फूल वाली लौंग ली है 10। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की फूल वाली लौंग लीजिएगा, ये ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसका ज़्यादा असर होता है। इसी के साथ हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं 20, तो लौंग जब आप 10 लेंगे तो काली मिर्च 20 लेंगे, उसका जस्ट डबल लेंगे। शहद लिया है मैंने 1 चम्मच, अगर आपको देसी शहद मिल जाए तो उसके फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सेंधा नमक लिया है 1/4 टेबल स्पून, सेंधा नमक गले के लिए और कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून लिया है, हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक्स होता है, बहुत तरह के इन्फेक्शंस को मारता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के साथ हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लौंग और काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक गैस पे पैन को रख दिया है, गैस की फ्लेम लो फ्लेम पे है और अब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे, लौंग डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, सब इससे जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति पानी है, निजात पाना है, तो आपको कुछ दवाइयों के साथ साथ घरेलू नुस्खों को भी अपनाना पड़ेगा। साफ़ सफाई और बाकी सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन घरेलू नुस्खों से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको क्रश करेंगे, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको दरदरा पीस सकते हैं। पैन यहाँ पे गरम है, हम इस गरम पैन के ऊपर अदरक का टुकड़ा रख देते हैं और अब हम इसको क्रश कर देते हैं काली मिर्च और लौंग को। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च और लौंग का पाउडर बना के रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको दरदरा पीस दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि हमें किस तरह से इसको पीसना है। ये देखिए हमें बिल्कुल इसको दरदरा करना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। तो हमारा काली मिर्च और लौंग का पाउडर बन के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अदरक को हम कद्दूकस यानी कि ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। हमें अदरक का रस निकालना है, तो यहाँ पे अब हम एक छन्नी की हेल्प से इसका रस निकाल रहे हैं। आप चाहें तो एक कपड़े में इसको रख के निचोड़ सकते हैं। तो ये देखिए अदरक का रस निकल आया है और ये जो बचा हुआ अदरक है इसको आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इसे फेंकिएगा नहीं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा में इसको बनाना है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। हमने 1/4 टेबल स्पून ये लिया है, इस 1/4 टेबल स्पून का हम 4 भाग करेंगे। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं 2 साल से ऊपर के बच्चों को, तो 1/4 टेबल स्पून का भी हमको 1/4 भाग ही यूज़ करना है, मतलब कि 1 चुटकी। लेकिन देने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो इतना भाग बस बिल्कुल चुटकी भर आपको बच्चों को देना है। 2 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़े इसको 1/4 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो शहद में हमने 1 चम्मच शहद में ये अदरक का रस डाल दिया है। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और 1/4 टेबल स्पून हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। सेंधा नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है गले के लिए। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून हम काली मिर्च और लौंग का पाउडर डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमने बड़ों के हिसाब से बनाया है, बच्चों को आप अगर दें तो इसका 1/4 भाग आप दीजिएगा, 1/4 भाग से भी थोड़ा कम ही दीजिएगा। लेकिन देने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इस रेमेडी को आप बड़े छोटे बच्चे सबको दे सकते हैं, ये बहुत सेफ है और ये बहुत कारगर है। तो इसको लेने का तरीका क्या है, जब आप रात में सो
सोने जा रहे हों, सोते वक्त आप इसको लेके खा के सो जाइए, और जब आप सुबह उठें तो बिना ब्रश किए, बिना कुछ खाए या चाय पिए आप इसको खाली पेट ले लें। इसको लेने के बाद आधे घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं ना पिए। उससे आपको एक ही बार में जादुई फायदा होगा, आपके गले का दर्द बिल्कुल चला जाएगा, टॉन्सिल से आपको आराम मिलेगा, और जो कफ आपके चेस्ट में जमा हुआ है वो बिल्कुल निकल जाएगा। 100% कारगर रेमेडी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और एक बार जब आप इसे ट्राई कर लेंगे ना तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपको इससे फ़ायदा हुआ। तो हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही ये होम रेमेडी है, मैं तो इसको अक्सर लेती हूँ जब मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो का लोगों को फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।